क्यों बंद कर रखा है उन्होंने हवालात में तुम्हें? गांव गया था मैं, मेरा सब कुछ छीन लिया उन सालिमों ने। खाना तो खाओ पहले, किलो खाओ। पहले आप खा लो। मैं तो खा ही लूंगी, तुमने पता नहीं कब से ठीक से खाना भी खाया कि नहीं। सिकंदर, जब तक मैं हूं ना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगी। बीबी जी, आपको बड़े साहब बुला रहे। अच्छा जाए, मैं आती हूं। रागी, सिर्फ कल तक का वक्त है हमारे पास। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, फिक्र मत करो, मैं सभी आती हूं। हेलो हेलो हेलो, मलिक साहब, मैं शादो बात कर रही हूँ माड़ी से। हाँ बोल। वो मलिक साहब, मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। क्या खबर ऐसी है मलिक साहब कि सुन के हवेली मुराद में मोछाल आ जाएगा, लेकिन मलिक साहब पहले आप वादा करें कि मैं इस खबर के बदले में आपसे जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। क्या? मैं आपकी मंजूर नजर बनना चाहती हूँ। सुल्तान सरगा की नजरें गर्म हो गई है जुलेखा पर, अकेले अकेले मुलाकातें हो रही हैं रात के अंधेरे में। जब वो सुल्तान सरकार के कमरे में हो तो वहां किसी को आसपास जाने की भी इजाजत नहीं होती। आगे की जो भी खबर हो मुझे बताती रहना। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कोई आ गया। अच्छा बहुत अच्छा है सुलेखा। आपने बुलाया मुझे? यहाँ का निजाम मेरे उसूलों और कवानीन के मुताबिक चल रहा है।
अपनी नौकरी से हाथ धोना है? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? इस नौजवान से इतनी गुर्बत का राज क्या है? मेरे ख्याल में आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके ओके ठीक है, कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, अब करते हैं कुछ ना कुछ। पिछले पैरों को मैला ना करते। सारा जमाना बातें बना रहे सरकार, कोई गवाह नहीं, कोई गवाह नहीं, वो मेरी पनाह में है और रहेगी, मुझे बांध दे चुका हूं। बदनामी हो रही है सरकार, किसी लड़की को बदनाम करना लोगों के लिए सबसे आसान काम है, मगर जीते जी बदनामी बीमारी के अंदर नहीं आ सकती। आ चुकी है सरकार। उसका पीछा करते करते माड़ी तक पहुंच चुकी है, माड़ी के अंदर माड़ी के बाहर सब लोग उस कमली कमली का नाम आपके साथ छोड़े। मेरे मुंह में खा सकता हूं सिर्फ बोल रहे हैं जो मैं अपनी जबान पे भी नहीं ला सकता। जानता हूं क्या कह रहे हो, सब जानता हूं। वो यही कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को जबरदस्ती यहां रोक रखा है, उसको उसके मां बाप से छीन लिया है। लोग अपने मुंह में मट्टी डाल रहे हैं सरकार, वो कह रहे हैं, मेरा मतलब कि वो कह रहे हैं कि आपके उस लड़की के बीच को बस किसने कहा ये? बाड़ी में ना रखे आपको खुदा नवाजते सरकार। जा यहां से सरकार, जा यहां से। एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूं मामू सरकार, रिक्वेस्ट कर रही हूं।
लड़की को नहीं निकाल सकते और आपका दिल इतना ही मजबूर हो गया है, इना टूटना नहीं, तो अपनी और हम सबकी इज्जत की खातिर उस लड़की से निकाह करो। क्या कहा उसने? काम हो जाएगा। आप तो ये बात ऐसे कह रही हैं जैसे उसने मेरे लिए सजाए मौत सुना दी हो। एक और बात भी। क्या बात है? कहिए। मुझसे मेरा और तुम्हारा ताल्लुक पूछ रहा था। पूछ रहा था कि एक अजनबी के लिए इतना परेशान क्यों रही हूं। तो आप कह देना चाहिए था उसको कि हमारा इंसानियत का ताल्लुक है, इंसानियत का रिश्ता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया वाले और थाने वाले इंसानियत के रिश्ते को मानते? ये तो इंसान को इंसान ही नहीं मानते। अगर नहीं मानते हैं तो हम उनकी बात पर क्यों परेशान हो रहे हैं? वो आपको नहीं मानते हैं, मुझे नहीं मानते हैं। हमें उनकी किसी बात को नहीं मानना चाहिए ना। सिकंदर, जब से तुम गए थे मुझे लगने लगा था जैसे मेरी सांसें रुक गई। फिर तुम्हें देखा है तो लगता है जी उठी हूं। दिल में एक अजीब सा लालच आ गया कि यूं जीती रहूं। इंसान हूं, क्या करूं? कब्र में वापस जाने को जी नहीं चाह रहा मेरा। क्या आप मेरी मोहसिन हैं? आपने बहुत कुछ किया मेरे। अगर आज आप ना होती ना तो मैं तो कहीं मरा पड़ा होता। कोई एहसान नहीं, तो शर्मिंदा मत करो। मेरा कोई एहसान नहीं है तुम पे, एहसान का बदला भी नहीं मांग रही मैं। लेकिन क्या आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है? अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा, आप बताइए। कर लो मुझसे, बस सिर्फ कागज पे।
एक सुलेखा में बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता, लेकिन तुझसे इतना जरूर कहूंगा कि जब तक तेरे गुलाम के जिस्म में रूह है, तुझ पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा तेरे सिकंदर। मोहब्बत भी अजीब मुसीबत होती है, जब तू सामने नहीं होती ना, दिल तेरी ताक में फकीरों की तरह गलियों में मारा मारा फिरता है। जब तू सामने आ जाती है तब एक धक्का सा लगता है, जैसे कोई कहीं से आएगा और तुझे मुझसे दूर ले जाएगा, फिर मेरी आंखों की रोशनी कहीं चली जाएगी। तुम यहां से निकल जाओगे, सब बंदोबस्त हो गया, जी वहां से निकलना है। इधर तुझे जाना है चली जा। तू समझती क्या है अपने आप को? हैं मौसी, आखिर हुआ क्या है? अच्छा, इधर घर का कख भी नहीं रहा, ते महारानी पूछ रही है कि हुआ क्या है। उस सैद वाला और माड़ी वालों के बीच में आग भड़क रही है, तो इस आग की बुनियाद चिंगारी बन के तूने रखी है। मौसी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू क्या कहना चाह रही है? वैसे तेरी जैसी मीसणी मैंने आज तक नहीं देखी, और लोमड़ी भी ना तुझसे सबक लेने आती होगी। मासी, तू कहना क्या चाहती है, क्यों पहेलियां डाल रही है? वैसे तो तू बड़ी चलाक बनती है, तो आज मेरी बातें तुझे पहेलियां लग रही हैं। सुल्तान सरकार के दामन पे दाग लगा है तेरी वजह से। जिसने तुझे इज्जत दी, इत्राम दिया, तो तूने उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। और तुझे सुल्तान सरकार के कमरे में जाने का इतना ही शौक था ना, मुझे बताती और मैं बंदोबस्त करती, तो आज ये तमाशा नसीब ना बनता। मौसी, तू होश में तो है? होश में तो मैं आ जाई हूँ, मुझे तो पहले पता था कि तुझ जैसी कमी की सोच कहाँ जा सकती है। और मैं तो आंडा देख के समझ जाती हूँ कि इसमें से चूचा निकलेगा या चूची। तू शह क्या है मेरे आगे? मौसी, नीयत पे शक करने का हक किसी को नहीं है। और बकवास बंद कर। बढ़िया ही नहीं तू रानी, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं सरकार साहब के सामने आंख कैसे उठाऊं, और वो क्या सोचेंगे कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ कि नहीं। मौसी, मेरा यकीन कर, जो खबरें तुझ तक पहुंच रही हैं वो सरासर झूठी हैं। लेकिन जो तूने काम किया है ना, उसका सरासर मतलब यही निकलता है। और तू तालीम याफ्ता है, पढ़ी लिखी है, तुझे कुछ होश होना चाहिए और दिन और रात का पता होना चाहिए। बस मुंह उठाया और सरकार के कमरे में जा घुसी है। आज तक इस माड़ी में किसी को जुर्रत नहीं हुई है सुल्तान सरकार के कमरे का रुख भी करने की। बड़ी आई नहीं तू।
मम्मी तुझे क्या हुआ? मासी, हमारी जिंदगी भी कैसी जिंदगी है? क्यों? अब क्या हुआ? मैं चंगी भली तो है, माड़ी में तख्ते सुल्तान में अच्छी भली तो गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। नी मासी, तू मेरी गल समझी नहीं। हाँ हाँ, अल्लाह दी शान, नी ये दिन भी देखने थे? तू जैसी जाहिल दो फिट्टे की लड़की, मैं तेरी बात नहीं समझूंगी। नी मासी, पहले पूरी गल सुन लिया कर, फिर अपनी तोप चलाया कर। जब देखो लफ्जों में जहर खुलती रहती है। नी अपनी जबान को रस्सा पा के रख, एक झापड़ मारूंगी ना सारे दंत टूट जाएंगे। नी मासी, तू तो हर बात जाती दुश्मनी पे ले आती है, इससे तो बात ही करना फजूल है। अच्छा तो डायरेक्ट बात किया करना, इधर उधर घुमा फिरा कर क्यों बोलती है? चल बोल क्या बात है। वो मैं कह रही थी कि हम लोग पैदा नौकर हुए, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते ही मर जाएंगे। अब तू अपनी मिसाल ही ले ले, बचपन गया, जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, अभी भी नौकरानी है ना, तरक्की तो नहीं हुई ना तेरी। मुझे पता था तेरे दिल में और तेरी जबान में बकवास ही निकलनी थी, मुझे पता था। मैं सच कह रही हूँ मासी, बार तू देख ले उसके अम्मा अब्बा आए हुए हैं, और इस बार खास मेहमान के तौर पे आए हैं। तू सोच इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जरूर उसके रिश्ते की बात डाल रहे हैं। अब तू देखना वो कमी बेगम बन के हम लोगों पे राज करेंगी। नहीं अपनी जबान को लगाम दे, किसी ने सुन लिया तो काट कर फेंक देंगे, खुद तो मरेगी मुझे भी मरवाएगी। नहीं तेरे मेरे मर जाने से ना उसकी किस्मत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपनी तालीम का ना गलत फायदा उठा रही है वो। अब देखना वो बेगम सरकार बन जाएगी। आज मुलाकात है आंटी जान, तू अकेला है, मुझे जाने दे। आंटी जान, मुझे जाना है सिकंदर के पास। आंटी जान, मुझे जाना है। मेरी उम्र भर की कमाई लुटा दी तूने उस कंगले पर, उस कंगले पर जिसने पलट कर तेरी तरफ देखना पसंद भी ना किया, रोता बिलखता छोड़कर चला गया था वो वापस अपनी दुनिया में। आज लौटा है मुजरिम बनकर तो तू याद आ गई, नजर आ गई तू उसे, इसलिए कि अब उसे फिर तेरी जरूरत है। तेरे सहारे जेल के फीके दिन गुजारना चाहता है वो, और आजादी हासिल करना चाहता है। अब फिर वो तेरा इस्तेमाल कर रहा है। लिख ले रागी, जिस दिन वो आजाद हुआ वापस लौट जाएगा उसी लड़की के पास और देखेगा भी नहीं तेरी सूरत। आंटी जान, ये तो बात की बातें हैं, अभी वो अकेला है, कोई नहीं है मेरे अलावा उसका इस दुनिया में, कि तो माँ भी मर गई है। ठेका लिया है तूने उसका, ये गोद लिया है। तू यहां से अब कहीं नहीं जा रही, तू जिस वकील को पैसे देकर आई है ना जेवर बेच के, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास जाना है, अपना पैसा वापस लेना है, ये केस छोड़ रहे हैं हम। उस कंगले आशिक से हमारा कोई लेना देना नहीं, याद रख तू ये बात। जान, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी, सुना आपने, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। और अब आप मुझे कैद नहीं कर सकते, ना ही मैं आपको अपने और सिकंदर के बीच में आने दूंगी। अपने पालतू
कुत्ते मत भेजना मेरे पीछे, वरना उसी वकील के जरिए केस कर दूंगी। अब से भेजा। तो क्या बात है सरकार, हम तो आपकी रियाया हैं, आपके दरबार में अपने दुख सुख लेके आते हैं। आज मीर मंग ने दरबार की तरफ जाने ही नहीं दिया, इधर ही खड़ा कर दिया। तब से आपकी चौखट पकड़ के खड़े हैं सरकार। ये जो कुछ भी करता है मेरे कहने पे करता है। कहने क्या आए हो, बात करो। सरकार हम तो अपनी कुड़ी लेने आए वापस। हम कमी कमीनों की इज्जत वापस कर दें सरकार। आपका ये गुलाम पिंड वालों से मुंह छुपाता फिर रहा है। बेटियों पे जुल्म करोगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा ना। हम किसके साथ जुल्म करेंगे सरकार, जुल्म हमारे साथ हुआ है। उस जालिम के हाथ में पैसा है, हम तो लुटे गए ना। तू चुप कर, मुझे बात करने दे उनसे। सरकार मेरी कुड़ी मुंह अंधेरे अपने यार के साथ भागी थी, हमारे मुंडे उसे ले भी आते और अपनी इज्जत बचा लेते राती को, पर हमारी इज्जत का जनाजा तो आपने अपनी माड़ी में रख लिया ना। और ये दत्तू आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहा, पर आपने उसकी एक ना सुनी। अब तो पानी पानी सर से ऊंचा हो गया है। बोले इस मीर मंगा को बाहर जाके सुने जरा, पूरा पिंड क्या मट्टी डाल रहा है, आपकी इज्जत पर भी और हमारी इज्जत पर भी। बस कह दिया ना मैंने कि जब तक उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दोगे वो तब तक यही रहेगी, तो समझ जाओ बात को। जाओ। इसीलिए कह रही थी हाथ जोड़ के मत खड़ा होने के। नहीं खाना मुझे खाना। जब तक जुलेखा की मैयत मैं इस घर में ना देख लूं चाची, मुझे चैन नहीं आएगा। शायद वही है रिचा, जब तक तू अपनी बेटी की जमानत नहीं देगा मैं उसे तेरे हवाले नहीं कर सकता। आप कब तक छोड़ सकते हैं सिकंदर को? अब तो हर काम आपकी मर्जी से ही होगा।